इलेक्ट्रिकल एंड पावर, मतलब बेसिकली अपने एनर्जी और पावर पे बात कर, सॉरी एनर्जी एंड पावर, पावर का फॉर्मूला आया था अगर रेशियो में बात करें तो आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर और आई आर। अगर आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पता हो तो मुझे इसमें निकालने में कोई कष्ट नहीं है। मैंने बहुत सारे सवाल कराए थे आपको कि पावर जो लिखी होती है बल्बों वाले सवाल कराए, यूएस से जाओ तो क्या होगा, ये क्या होगा, हमारे घरों में कनेक्शन, हमारे घरों में सप्लाई आती है 220 वोल्ट एसी, कैसी आती है 220, पर अगर मैं उसे 220 वोल्ट की डीसी बैटरी भी मान लूं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैं आपको समझा चुका था हमारे घरों में कनेक्शन पैरेलल होते हैं, हमारे घरों में थ्री फेज कनेक्शन भी हो सकते हैं, सिंगल फेज भी हो सकता है, इन सब बातों पर हम कर चुके थे, अपने घरों का बिजली का बिल अपन निकाल सकते हैं। हम जो हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है क्या वो एनर्जी का आता है? 36 × 10⁵ जूल इज कंसीडर्ड एज अ वन यूनिट, वन यूनिट का अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बिल है, कोई शक वाली बात नहीं है। फिर अपने बल्ब बल्ब पे चर्चा करी थी, बहुत सारी चर्चा अपन यहाँ तक कर चुके थे। ये बात थी एनर्जी एंड पावर, एनर्जी एंड पावर। इसमें कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें और करी जा सकती है, जैसे मान लो अपन इसमें चर्चा करें, इसमें अपन चर्चा करें बैटरी से, किससे? तो इलेक्ट्रिकल एंड सॉरी एनर्जी एंड पावर, यहां तक की बात अपन करते हैं। अब थोड़ी सी एनर्जी चर्चा अपन बैटरी पे करते हैं, किस पे करते हैं? एक्चुअली आपने बैटरी खरीदी तो लिखो लिखो चर्चा ऑन बैटरी। हालांकि चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं, ये अलग टाइप की चर्चा है, ये एनर्जी से रिलेटेड चर्चा है। कौन से रिलेटेड? बात नहीं, बात समझना जो मैं आपको कह रहा हूं, अच्छे समझना। जैसे मान लो रेजिस्टेंस आर है और ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी वास्तविकता में बैटरी है, आर अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक घंटे बिल्कुल सिंसियर बच्चों की तरह पढ़ते हैं, ई और आर और आर। अब खास बात यह कि हमें समझ में आता कि आपने जो आप बैटरी बाजार से खरीद के लाए हो तो फिक्स है ना, उसका ई भी फिक्स है और बाजार से बैटरी खरीद लाया, तो उस बैटरी से क्या चाहता है? उसका इफेक्टिव यूज करे, वो वेस्ट ना हो, ये चाहता है कि नहीं चाहता है ना? तो आप अपन ये समझते हैं, अच्छा हम चाहते हैं कि हम बैटरी से मैक्सिमम पावर ड्रैग करें, क्या ड्रैग करें? मैक्सिमम पावर, हम तो ये चाहेंगे ना बैटरी से हम कैसे क्या ड्रैग कर लें, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर के लिए क्या करें सोच के देखते हैं, ये ई आर और ये आर, ये आर एक्सटर्नल है, ये कुछ भी हो सकता है, पंखा प्रोजेक्टर लाइट कुछ और रजिस्टर हीटिंग एलिमेंट वॉकमैन माइक कुछ भी हो सकता है वो, ये तो अलग चीज नहीं। बैटरी, अब बैटरी किससे लगाऊं कि सबसे ज्यादा पावर मिले? यस और नो? अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इस रजिस्टर में करंट कितना आ रहा है? करंट आ रहा है ई बाई आर प्लस आर, ई बाई आर। तो इस रजिस्टर में जो पावर आ रही है वो कितनी है? आई स्क्वायर आर। अरे कितनी आ रही है? आई स्क्वायर आर। और आई के लिए कितनी? यानी कि ई स्क्वायर आर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर। दिस इज द पावर विच वी विल गेट अक्रॉस रजिस्टर आर विच इज अवर एक्सटर्नल सो विच इज अवर एक्सटर्नल एजेंट, जब हम उसमें बैटरी लगा देते हैं जिसका ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस आर है। बोल यस और नो? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। हो तो पावर इक्वल टू ई स्क्वायर आर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब क्या करें सर? बेसिकली ध्यान से को तो पावर, अगर बैटरी फिक्स है तो यहां पे वेरिएबल कौन है पावर के लिए? कैपिटल आर। अरे कौन है? कौन है? या लॉजिकली कैपिटल आर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा भाई हाँ, तो अगर मुझे पावर मैक्स चाहिए, क्या चाहिए? मैं चाहता हूं मैं मैक्सिमम पावर ड्राइव करूं, तो क्या यहाँ पे आर के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना चाहिए? क्योंकि इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? बड़ा। कौन है? यानी कि मुझे पता होना चाहिए कि इस बैटरी के साथ मैं कैसा रजिस्टर जोड़ूं कि मुझे मैक्सिमम पावर मिले। नहीं आया। तो भाई साहब हमने पावर मैक्स, क्या चीज पावर मैक्स के लिए हमने क्या करा? हमने करा डीपी बाई डी आर इक्वल टू जीरो, ये हमें करना है। पहले डीपी बाई डी आर निकालें, यहाँ पे आर वेरिएबल है। पहली इक्वेशन में अगर अपन ई ऊपर वाले आर को ले लें तो ई स्क्वायर बाई आर प्लस आर, बोलिए सो नो। दूसरी इक्वेशन में अगर अपन आर प्लस आर का डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा? वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है? माइनस वन बाई एक्स। क्या होता है? नहीं आया तुम, माइनस वन बाई एक्स इंटीग्रेशन, तो पागल हो रहे तुम लोग यार। वन बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कंट्रोल बेटा, रात को नींद आनी चाहिए। वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ पहले, माइनस वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, और वन बाई एक्स स्क्वायर का माइनस टू बाई एक्स क्यूब, माइनस टू बाई एक्स क्यूब। तो भाई साहब माइनस टू ई स्क्वायर आर बाई
आर प्लस आर का क्यू का स्क्वायर आएगा। हाँ ये वाले क्या मुझे लगा नहीं तुम्हें आया आया कि नहीं आया? एक बार आर को कर लिया ये वाला टर्म, एक बार ये वाला कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात? दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, तो वैसे जीरो के बराबर लगेगा। ई इज ई स्क्वायर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर जीरो में चला गया, तो वन माइनस टू आर बाई आर प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू वन इक्वल टू ओहो हो, तो क्या लिखा गया? टू आर इक्वल टू आर प्लस आर, मतलब आर इक्वल टू आर। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, दिस इज नोन एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, दिस इज नोन एज। किसी भी बैटरी से मैक्सिमम पावर कब ड्रैग कर सकते हो? जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो। अरे यार हाँ ना बोल, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। मैक्सिमम पावर विच वी कैन ड्रैग, दिस इज नोन एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टैंडर्ड है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम याद होना चाहिए। किसी भी बैटरी से मैक्सिमम पावर तब बाहर आएगी जब क्या? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। नहीं आया? अगर ये हो जाएगा तो खुद ही सोच के देखो जो पावर होगी। अगर पावर मैक्स की अपन बात करें तो वो है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर में आई की वैल्यू हो जाएगी ध्यान से वो ई बाई टू आर। अरे क्या हो जाएगी? अगर आर बराबर आर है तो क्या लिख लेंगे? ई बाई टू आर। अगर अपने को बैटरी के लिए मैक्सिमम पावर चाहिए तो अपन क्या लिखेंगे? ई स्क्वायर बाई टू आर इंटू, सही तो कर रहा हूं मैं यार, ई स्क्वायर बाई टू आर का होल स्क्वायर इंटू आर। गलत तो नहीं बोला यार? अरे हाँ ना बोल यार। अगर मैक्सिमम पावर की बात करें तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो गया? आर आरंभ तो क्या ई बाई टू आर, ई बाई तो वहां पे पावर क्या हुई? आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू कितनी है? ई बाई आर प्लस आर। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, रटना नहीं समझना है, कोई खास बात रटना ही है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? आर इक्वल्स टू आर, आर इक्वल्स टू आर, बहुत बढ़िया सा। तो ई स्क्वायर बाई टू आर का होल स्क्वायर इंटू आर वैल्यू कितनी आई? ई स्क्वायर बाई फोर आर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। दिस इज द मैक्सिमम पावर विच यू कैन ड्रैग फ्रॉम अ बैटरी। तो बैटरी देख के बता सकते, इससे ज्यादा पावर नहीं ले सकते भाई। मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, मतलब 10 ईएमएफ की बैटरी है और उसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है, कितनी है? 2। तो 10 स्क्वायर 100, कितना? 100 बटे 8, 100 बटे 8 12.5, कितना? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। इसका मतलब समझ गए, इससे 12.5 जूल से ज्यादा इससे एनर्जी ड्रैग करता जो मैं बोला चमका। थ्योरम याद रखिए, सवाल कोई बहुत टफ नहीं आते, हालांकि मैं उसके बारे में आपको कुछ कुछ अच्छी बातें बताऊंगा। आपको बात समझना पड़ेगा कि आर इक्वल टू आर। मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आपको बात समझ में आई तो ओरली भी आंसर दे सकते हो, कोई रॉकेट साइंस की, ध्यान समझना। मान लो कि ऐसे एक सर्किट एक्सटर्नल और ये बैटरी लगाई गई है, इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। आप मेरी बात बहुत ध्यान समझिए, मान लो कि ये रेजिस्टेंस 4 ओम है और ये बैटरी 10 वोल्ट की है और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है जो बैटरी का ऐसे सेगमेंट दिया गया है और ये बोला गया कि ये वो उसे मरा 2 ओम है और ये 6 ओम है। बताओ एक्स कितना हो कि मैक्सिमम पावर ड्राइव करें? फाइंड एक्स फॉर मैक्सिमम पावर फ्रॉम द बैटरी, फाइंड एक्स फॉर मैक्सिमम पावर फ्रॉम द बैटरी, फाइंड एक्स फॉर पावर मैक्स फ्रॉम बैटरी। सब लोग बोलेंगे, अरे सब लोग बोलो जीरो, सब लोग बोलो जीरो, थ्री थ्री थ्री, कैसे आया? क्या इन सबका इक्विवेलेंट 4 होना? क्या ये 2 है तो इनका 2 होना? इनका 2 तब होगा जब एक्स, समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ऐसे सवालों में तुम्हें कोई कष्ट नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया? सोच लो, एक्स इक्वल टू 3 ओम, एक्स इक्वल टू 3 ओम। और पे कराऊं, बात समझ आ गई? आई कि नहीं आई? उतार लो, हो गया क्या? चलो भाई इधर सुन। अब अगर अपन बहुत ध्यान से बात को देखें तो सोच, इधर बात नहीं, इधर देख कि मान लीजिए मैं आपको 2-3 इलस्ट्रेशन लेता हूं, आपको उससे खुद से क्लैरिटी आ जाएगी कि बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो कि हम बैटरी लाए, क्या लाए? एक मान लो बैटरी लाए जिसकी रेजिस्ट वोल्टेज 10 वोल्ट, ईएमएफ 10 वोल्ट जिसका, और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, कितनी है? 2। बोलो क्लियर है ना?
हमने इसके साथ एक रजिस्टर जोड़ा जो 0.5 ओम का है, कितने का है? तो 0.5 और 2 कितना हुआ? 1, बहुत बढ़िया। 0.5 और 2 1, ना तो माइनस करने पे भी नहीं आया, ना मल्टीप्लाई पे आया, ना डिवाइड में आया। तो 0.5 और 2 ढाई, कितना? ढाई। करंट कितना था? करंट कितना था? 4 एम्पियर। बोलो क्लियर? yes, यार हाँ ना बोल। yes, अच्छा 4 एम्पियर अगर करंट था तो बैटरी ने एनर्जी कितनी दी? अभी मैं उस पे पावर नहीं पूछ रहा, बैटरी ने एनर्जी कितनी दी? बैटरी बैटरी पावर देती है VI। बैटरी पावर क्या देती है? VI। मतलब क्या 10 × 4 क्या 40? क्या बैटरी 40 जूल सप्लाई कर रही है प्रति सेकंड? या नहीं आया? हमारा इनपुट तो 40 जूल है। अरे हमारा इनपुट तो है कि नहीं यार? तो बैटरी जो पावर दे रही है एक सेकंड में, क्या वो VI है? अगर सेकंड में करंट I आया तो जाहिर सी बात है कि जो बैटरी ने पावर दी, पावर बाई बैटरी, पावर बाई वो अस्तित्व में आया 40। कितना आया बताओ? क्या ये सबको समझ आया? तो बैटरी की पावर है 40, कितनी है? 40। अच्छा यहां अक्रॉस रजिस्टर कितनी मिली? I² R। अरे कितनी मिली? कितनी मिली? I कितना? 16। I² R कितना? 16 × 0.5 8। अच्छा हमने खर्च कितना करा? 40। मिला कितना? 8। तो एफिशिएंसी क्या हुई? 8/40। 8/40 नहीं आया यार, एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट तो 8/40 ही है, क्योंकि ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो बताओ जिसने जो 40 दिया उसमें से 8 बाहर मिला और क्या 32 यहां लॉस हो गया? 32 यहां लॉस हो गया। तो एफिशिएंसी क्या हुई? 8/100। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? सोच लो। पक्की बात? कितने परसेंट एफिशिएंसी हुई? कितनी? 20%। कितने परसेंट? 20%। ये एफिशिएंसी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये समझ भी आ गया अपने को। पावर मिली 8, कितनी मिली? 8। ये अच्छा सर्किट लग रहा है? खराब? खराब की अच्छा खराब क्यों लग रहा है? अभी साला 40 खर्च करा और मिला ऐसा सर्किट किस काम का जो 20% एफिशिएंसी लाए? ऐसा सर्किट किस काम का जो 20%? क्या आप अभी बैटरी को ऐसी ऐसे सर्किट में ऑपरेट करना चाहोगे जो 20% ही एफिशिएंसी लाए? तो आपके हिसाब से अच्छा सर्किट है कि खराब? मैक्सिमम पावर कब आती है? जब आर इक्वल टू आई है। तो भाई साहब 2 ओम ले लो, ये 10 वोल्ट ले लो, ये 2 ओम ले लो, ये 10 वोल्ट। अरे भाई हां ना तो बोल, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। भाई साहब अब बोलो करंट 2.5। अबे टू टू जब ढाई एम्पियर करंट आया ना, ये कंडीशन है मैक्सिमम पावर की। किसकी? हाँ अच्छा बैटरी कितनी थी? 40। बहुत बढ़िया। बैटरी कितनी थी? कितनी थी? कितनी थी? अच्छी मिली कितनी? 2.5 का होल स्क्वायर इंटू 2, ये है 6.25। 6.25 × 2 क्या 12.5 जूल? मतलब 12.5 वॉट कोई बुराई? इससे ज्यादा पावर आना पॉसिबल? क्योंकि दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। क्या 12.5 वॉट मिला जब 25 वॉट खर्च करा तो एफिशिएंसी कितनी? 12/25 × 100 क्या एफिशिएंसी आई? 50%। क्या आई? मतलब हम हमारी बैटरी की मैक्सिमम पावर क्या ला सकते हैं? 12.5 और एफिशिएंसी? क्या एफिशिएंसी 50 से ज्यादा बढ़ा सकते हैं? क्या बढ़ा सकते हैं? लेट्स चेक। कंफ्यूज मत हो, 2 ओम 8 ओम 10 वोल्ट करंट बोल कितना? 1 एम्पियर। पावर बाय बैटरी? पावर बाय बैटरी। पावर इन दिस सर्किट 1² × 8 क्या 8 वॉट? अरे हाँ ना बोल। पावर बैटरी ने कितनी खर्च करी? 10। कितनी मिली? कितनी? 8। क्या यहाँ लॉस हुई? 2।
तो भाई साहब एफिशिएंसी क्या हुई, 8/10 × 100 क्या 80%? यस सर। मैक्सिमम पावर तो सर तब होती है जब आर बराबर आर हो। सर ये क्या बात हुई सर? मैक्सिमम पावर और एफिशिएंसी अलग अलग बातें हैं। पहली बात, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट दैट कि आप इस बैटरी से इससे ज्यादा पावर, इससे ज्यादा एनर्जी प्रति सेकंड ले नहीं सकते। ध्यान समझना, यहां पे पावर कितनी थी, यहां पे कितनी है जो आउटसाइड मिल रही है, पर वहां खर्च कर रहे थे 40, यहां खर्च कर रहे हैं, ये काम का है ना। एफिशिएंसी तो आप बहुत आगे तक भी ले जा सकते हो, सोच इसको और बड़ा कर लूं तो एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। ध्यान से देख, सोच के देख, इफ यू इंक्रीज दिस आर ना, व्हाट यू विल फाइंड। तो हमारे क्या इंपॉर्टेंस है, पावर की एफिशिएंसी दोनों का मिक्सचर। अबे तू सर मेरे को तो 99.9% एफिशिएंसी चाहिए, साला इसको 100 ओम कर ले। अभी तो करंट इतना कम बहेगा, फिर करेगा क्या सर्किट का, जब पावर यहां पे 1 जूल या 0.5 जूल आएगी, तंबूरा नाचेगा उससे। अरे हाँ ना बोल यार, हमें पावर भी चाहिए और डिसेंट एफिशिएंसी भी चाहिए। मैक्सिमम पावर जब मिलती है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती हो ये जरूरी नहीं। जब मैक्सिमम पावर मिलती है तो एफिशिएंसी सिर्फ 50% होती है। देख यहां पे पावर कितनी है, 12.5। इस बैटरी से मैं 12.5 से ज्यादा कभी भी ड्रैग, तो ध्यान से देख, तो रेजिस्टेंस 0.5 से 2 तक ले गए, तब तक एफिशिएंसी, तब तक पावर बढ़ेगी, तब तक पावर, फिर 200 और बढ़ाओगे तो पावर घटेगी पर एफिशिएंसी। इसमें सबसे बेकार सर्किट कौन सा है? बेकार। अगर आप कभी भी बैटरी लगा रहे हो और ऐसे रजिस्टर से लगाते हो जिसकी खुद की रेजिस्टेंसी इनर्टल रेजिस्टेंस से कम है, तो इससे बेकार कोई सर्किट क्यों भाई साहब? वो पावर भी कम देगा और एफिशिएंसी भी। अरे यार हाँ ना बोल। इसलिए कौन सी बैटरी कहां जोड़ी जानी चाहिए पता होना चाहिए आपको, पूरी सर्किट की कैलकुलेशन पता होनी। पहली बात बताओ, क्या ये मिसकंसेप्शन हट गया कि मैक्सिमम पावर मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी? मैक्सिमम पावर मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये जरूरी नहीं है। एफिशिएंसी तो बढ़ाई जा सकती है, पर एफिशिएंसी बढ़ाओगे तो फिर पावर नहीं। तो पहली बात, वो सर्किट तो बिल्कुल बेकार है जिसकी एक्सटर्नल सर्किट की रेजिस्टेंस इंटरनल सर्किट की रेजिस्टेंस से कम है। क्या तो पैथेटिक्स है? आप कम से कम ये स्टेज और उसके बाद वाली स्टेज होनी। अब आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि आपको पावर ज्यादा चाहिए कि एफिशिएंसी, ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द। पर ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि मैक्सिमम पावर का मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम पावर और एफिशिएंसी ये एक एस्पेक्ट है अलग अलग। क्या इलस्ट्रेशन से बात समझ आई है या नहीं आई है? आई है कि नहीं आई है? अरे पक्की बात। अगर हम पावर के ग्राफ के बारे में बात करें, किसके पावर की बात करें, पावर के ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें, तो पावर का ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा, जो मैक्सिमम तब होगा जब आर बराबर, अरे नहीं आया, कुछ इस प्रकार का होगा। और अगर आप एफिशिएंसी की बात करो, तो एफिशिएंसी का ग्राफ ध्यान से देखो तो कंटिन्यूअसली एफिशिएंसी बढ़ रही है, कंटिन्यूअसली एफिशिएंसी, और वो 100% की तरफ अचीव हो रही है जैसे जैसे आप आर टेंडिंग टू इनफिनिटी है। यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया, आया कि नहीं आया? और जब आर बराबर आर होता है तो एफिशिएंसी कितने परसेंट होती है? 50। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। क्या पावर और आर का और एफिशिएंसी और आर का ग्राफ समझ आया है? yes, या प्राण प्रखेरे उड़ गए हैं? yes, बोलो चमका है? yes, मेरा पर्पस था ये कॉन्सेप्ट डिलीवर करना कि मैक्सिमम पावर और एफिशिएंसी सेम बात अलग अलग, सेम बात अलग अलग, राइट? व्हाट एवर यू वांट टू राइट, राइट व्हाट एवर यू वांट टू राइट, उतार लिया तो मैं आगे बढ़ू। सो दिस इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और ये कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि एफिशिएंसी और पावर अलग अलग चीज है, एफिशिएंसी और पावर, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब कुछ अच्छे सवालों की बात करी जा सकती है, पर उसके लिए कुछ अलग चैप्टर्स के बारे में ज्ञान होना। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे सवाल आते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट से, अभी आप पर है कि आपको कितना आता है। इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट वैसे बहुत, ये मतलब अनंत है, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं आपको बेसिक बेसिक बातें बताता चलता हूँ। हीट से आते हैं, कहाँ से आते हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, पानी गर्म करना, बेसिक इलस्ट्रेशन में आपको समझाता हूँ। चाय बनाने वाले सवाल, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा सवाल से पहले चालू करता हूँ। बेसिकली आप चाहो तो छोटी सेटिंग डाल सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट क्वेश्चंस।
है ना, इसमें आप जितना आपका स्तर चाहोगे मैं उतना ऊपर ले जाऊंगा। आइए, इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट। अरे यार बात नहीं, क्या बात है, इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट। इधर देख, जैसे मान लो मैं आपको एक सिंपल सा सवाल बोलूं कि अगर इमर्शन रॉड है, इमर्शन रॉड देखिए पानी गर्म करने वाली कौन सी। अब जैसे मान लो कि एक बाल्टी है, एक क्या है बाल्टी, इसमें पानी भरा हुआ है। मान लीजिए कि मैं बोलता हूं 5 kg, कितना है 5 kg, इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कौन सी क्या होती है, 1 kcal/degree centigrade। तुम कुछ नहीं बता, किसी चीज को गर्म करने के लिए हीट चाहिए होती है ms delta t, क्या चीज होती है, m is the mass, s is the specific heat, s is the, तुम्हें नहीं आता, तो बेसिकली पानी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कितनी होती है, 1 kcal/degree centigrade, 1 kcal/g, 1 kcal कितने जूल, 4.18। मान लो कोई बुराई वाली बात मैकेनिकल इक्विवेलेंट हुआ, तो 1 kcal और अपने को यूनिट यूनिट कन्वर्जन छोड़ो, वो सब अपने को आता है, मान लीजिए कन्वर्ट करने भी जानते हैं, इसकी सिमिलरिटी मान लो मैं जानता हूं। मैं बेसिकली यहां पे एक इमर्शन रॉड इसमें डाल दूं और बोल दिया जाए कि इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दे दी गई है, कितने की, 220 वोल्ट की सप्लाई, और इसका रेजिस्टेंस मान लो कुछ तो 10 ओम दे दिया, कितना दे दिया 10 ओम, या बोल दिया कि ये जो है ये 1000 वाट की या 1 किलो वाट की है, कौन इमर्शन रॉड। तो बताओ कि अगर अभी इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 5 डिग्री, मान लो सर्दियों का टाइम है, 5 डिग्री है टेम्परेचर, कितना है 5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर है, आप चाहते हो इसका पानी का टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाए, तो क्या 45 डिग्री बढ़ाना है, तो पूछा जाए कितनी देर में ऐसा हो जाएगा, वाटर बिकम्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या 1 kW एनर्जी 1 सेकंड में मिल रही है, हमें कितनी एनर्जी चाहिए, हमें जनरेटिंग, अरे क्या चाहिए, अगर आप ध्यान दो इस तरीके के सवाल कई सारे हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीज जुड़ी जा सकती है, मैं बता रहा हूँ, कोई कमी नहीं मेरे पास उसमें सवालों के लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड एम एस डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू क्या, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू क्या, पावर के लिए मैं ऐसे भी दे सकता था, मैं इसका रेजिस्टेंस और वोल्टेज देके भी क्या पावर निकलवा सकता था, अरे हाँ ना बोल, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक बात ये है, बेसिक बात मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, बेसिक बात ये है कि अपन ने ऐसे कर रखा है, बोलो क्लियर है एकदम, तो अपन ने एम एस डेल्टा टी इक्वल टू पी इंटू टी। अब हो सकता है कि बोला जाए कि जो भी इससे पावर निकल रही हो 80% ही एफिशिएंट है, 80% एफिशिएंट है मतलब ऐसे 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना टाइम लगेगा बताना, कोई खास बात नहीं। मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या सब लोग कर सकते हैं, इनमें कैलकुलेशन होती है, क्योंकि हीट में भी कैलकुलेशन होती है और इसमें भी होती है, सवाल अनंत है। हो सकता है आपने कभी सुना हो तो कि अपने को कंटेनर का भी वाटर इक्विवेलेंट दिया जा सकता है, किलोमीटर में पढ़ा था तुमने, कहाँ पढ़ा था, तो बेसिकली हमने आपको इस वाले सेगमेंट में हीट ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी तो आई स्क्वायर आ रहा है बस, कितनी है, बाकी रिलेटिव, इसलिए आपको हीट वाला चैप्टर आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, इसलिए आपको बताता जा रहा हूँ कहाँ कहाँ से सवाल बन, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं आते, बहुत टिपिकल लेवल पे आपको ले जाते हैं, पर ले जाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ले जाया नहीं जा सकता, सवाल बनते हैं क्योंकि अच्छे। तो अपन ने बात करी, क्या इसको वाटर इक्विवेलेंट जानते हो तुम लोग, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बकेट, मान लो मैं बोल दूं कि बकेट का वाटर इक्विवेलेंट 2 kg है, तो आप समझ जाओगे कि जितना इसको 5 डिग्री से 50 डिग्री में ले जाने में एनर्जी चाहिए, क्या उतना ही 2 kg पानी को भी चाहिए, सो वी कैन रिप्लेस बकेट बाय अ वाटर, तो 5 kg की जगह मास टोटल कितना मान लेंगे, 7, कितना मान लेंगे, नहीं याद है, याद है भूल गया, अब बकेट में पानी भर लो, कुछ मतलब एफिशिएंसी 50% कर लो, 70% कर लो, टेम्परेचर जैसे उधर ले जाओ, स्पेसिफिक हीट को टेम्परेचर का फंक्शन ले लो, इसमें से हीट को कैलोरी में दिया जा सकता है, आपको 4200 J/kg में भी दिया, 4200 J आता है, 4200 J/kg पड़ी नहीं आया, अगर 1 kg की बात करें तो 4200 कन्वर्ट करके देखोगे तो, अरे वो 1 kcal/degree centigrade, उसे कन्वर्ट करोगे जूल में तो कितना आएगा, 4200 J/kg, अरे 1 kcal/g, 1 kcal का मतलब क्या, 4.2 J/g,
अब एक ग्राम के लिए तो एक किलो के लिए कितनी चाहिए? 4200। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर स्टैंडर्ड जो भी बहुत सही चीज़ क्या छोटी छोटी आपको गिवन होगा ये सब। फिर तो क्या ऐसे बेसिक सवाल कर सकते हो? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर ये कितना पानी गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या ऐसे सवाल कर सकते हो? उतार एक और फॉर्मेट करा दो। ये सिर्फ सवाल नहीं करा रहा हूं मैं आपको, क्या करा रहा हूं? फॉर्मेट्स क्या करा रहा हूं? सवाल इनसे बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं। इसलिए जो आपको अच्छा लगे वैसे लिख लेना, पर ऐसे सवाल देख सकते हैं आपको। पहले तो ऐसे सवाल क्लियर है? जैसे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे एक इलेक्ट्रिक कैटल है, क्या है? इलेक्ट्रिक कैटल। ऐसे सवाल लिखो आप, इन इलेक्ट्रिक कैटल देयर आर टू रेजिस्टेंसेस, इन इलेक्ट्रिक कैटल देयर आर टू रेजिस्टेंसेस। इलेक्ट्रिक कैटल समझते हो तुम लोग? उसमें फिलामेंट होता है, जैसे जैसे आप बोलो रेजिस्टेंस, क्या बोलो? वो गर्म होगा तो इलेक्ट्रिक कैटल भी गर्म होती है, फिर अपने जो पकाना होता है वो अपन पका ले। इलेक्ट्रिक कैटल समझते नहीं हो तुमको? समझते हो ना? तो तुम्हारे पास तो होगी रूम में रख रहे हो, ठीक है? लड़ बच्चे सब तो मैगी उसी में से बनाते हो या कुछ और लगा रखा है मैगी के लिए? इलेक्ट्रिक कैटल में बनाते होगे ना? चलो बात चालू हो, मैं तो सारा डायरेक्ट ही मैगी चबा लेता हूँ, फिर इलेक्ट्रिक कैटल में बैठ जाता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा हिल लेता हूँ। मसाला तो पहले ही घोल के पीते हैं ना, मसाला तो अलग करते हैं वो, तो उसको तो जलजीरा मानते हैं। तो इलेक्ट्रिक कैटल क्या चीज? इलेक्ट्रिक कैटल जो है उसमें मान लो दो रेजिस्टेंसेस हैं, कितनी है? तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक कैटल हीटर देयर आर टू रेजिस्टेंसेस। इफ वी यूज फर्स्ट वन इट विल टेक T1 टाइम टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। इट विल टेक T1 टाइम टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी इन अ इलेक्ट्रिक कैटल देयर आर टू रेजिस्टेंसेस। इफ वी यूज फर्स्ट वन देन इट विल टेक T1 टाइम टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। मतलब एक प्याला चाय का बनाने में T1 टाइम लगता है, कितना? इफ वी यूज अनादर रेजिस्टेंस इट विल टेक T2 टाइम टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। इट विल टेक T2 टाइम टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, फुल स्टॉप। अब ए पार्ट लिखो, फाइंड आउट द टाइम टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी इफ वी यूज बोथ द रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। फाइंड आउट द टाइम टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी इफ वी यूज बोथ द रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। अगर अकेले R1 को यूज करते हैं पहली रेजिस्टेंस को तो T1 टाइम लगता है, अकेले सेकंड को लेते हैं तो T2 लगता है, पर बताओ दोनों को सीरीज में लें तो उसी कप ऑफ टी को बनाने में कितना टाइम लगेगा? ये सवाल आपके पास है। अच्छा इधर देखो, इधर है एक चीज जो कॉमन है, जो मानी गई वो ये कि कप ऑफ टी बनाने को में एनर्जी मान लो ई लगती है, ये कांस्टेंट है सब जगह। एक कप ऑफ टी बनाने में एनर्जी, ये चीज कांस्टेंट है कि नहीं? सो कंसीडर्ड एज ई, ई इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। ई इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। व्हेन वी टेक ओनली R1 रेजिस्टेंस, व्हेन वी टेक ओनली R1 रेजिस्टेंस और अपनी जो सप्लाई वो 220 वोल्ट या जो भी आपको माननी हो फिक्स्ड है, वी फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है? वी। इसलिए इलेक्ट्रिक केटल का शब्द का प्रयोग करा गया कि इलेक्ट्रिक केटल 220 वोल्ट की सप्लाई से चलती है। अरे कभी तो हाँ ना बोल, तो V सप्लाई है, क्या है? V। तो अगर देखें तो पावर कितनी मिली? V square by R1। V square by तो V square by R1 पावर अगर मिले और T1 टाइम तक चले तो E एनर्जी मिलती है।
अरे पहली बैटरी पहली रजिस्टर को यूज करते हुए क्या हमें T1 टाइम लगता है? पावर क्या हमें V स्क्वायर बाई R1 मिल रही है? क्योंकि हमारी सप्लाई कांस्टेंट है हमारी। अब ये मत बोलना सर लिखा हुआ नहीं है, ये कॉमन सेंस है, इसीलिए इलेक्ट्रिक केटल यूज करी गई है कि हमारे घरों में कांस्टेंट सप्लाई आ रही है। अरे भाई हाँ ना बोल। तो V स्क्वायर बाई R1 इंटू T1 इज E, V स्क्वायर बाई R1 इंटू, ऐसे ही क्या V स्क्वायर बाई R2 इंटू T2 इक्वल्स टू E? यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। क्या सेकंड बात भी समझ आई? अगर मैंने R1 R2 दोनों सीरीज में जोड़ लिए तो बैटरी तो वो ही रही, तो क्या पावर V स्क्वायर बाई R1 प्लस R2 इंटू T जो मेरे को निकालना है इक्वल्स टू E? Equals to मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। आया नहीं आया। अब क्या करूं बोलो? क्या R1 R2 को उठा के यहां से रख दूं? देखो ध्यान से, V स्क्वायर बाई R1 की वैल्यू कितनी है? V स्क्वायर T1 बाई E। ऐसे ही ये कितनी है? V स्क्वायर T2 बाई E। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। इंटू टी इक्वल्स टू ई, वी स्क्वायर ने वी स्क्वायर को ई ऊपर चला गया तो ई ने भी ई को मार दिया। टी इक्वल्स टू सिंपल। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? अगर आई तो दूसरा पार्ट तुम ही करोगे, तुम्हें भी पता मैं क्या पूछने वाला हूं। गुड, पता भी है तुम्हें क्या पूछने वाला हूं। पहले तो समझ आया नहीं आया? ये समझने के बाद दूसरा पार्ट निकालो, फाइंड आउट द टाइम टेकन टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में होंगे तो आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 होगा कि R1 R2 बाय R1 प्लस R2? अगर आप बल्कि बहुत ध्यान से हो तो ऐसे लिखना, V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट और वास्तविक इक्वल्स इनटू टी इक्वल्स टू ई, और वास्तविकता में वी स्क्वायर बाई आर इक्वल इज नथिंग बट 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू टी इक्वल्स टू ई। बोल यस और नो? अब R1 R2 की वैल्यू रख दो तो आपको दिखाई देने लग जाएगा, वी स्क्वायर R1 की वैल्यू रखो तो दिखाई देगा ई बाई वी स्क्वायर T1 और प्लस ई बाई वी स्क्वायर T2 इंटू टी इक्वल्स टू ई, ई ने ई को मार दिया, वी स्क्वायर ने वी स्क्वायर को मार दिया, टी इक्वल्स टू T1 T2 बाई T1 प्लस। क्या मैंने ज्यादा जल्दी बता दिया? तुम नहीं सोच पाए थे? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। नहीं आया? आया नहीं आया? ये एवरेज टाइप का सवाल, वो आसान टाइप के थे, हीट प्लस इंटेंसिटी, ये एवरेज टाइप के, ऐसे कोई खास बात? मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। अरे पक्का? चलिए और देखिए। हाँ क्या बोला? बोल बोल। अरे तेरा अपना बोल, क्यों अलग होगा? बैटरी सप्लाई तो सेम है ना? थोड़ी अच्छी चर्चा कराऊं बोलो तो? शकल देख के लग नहीं रहा। सुन, आपने वो देखा है? अच्छा तुम वो जानते हो स्टीफन्स लॉ? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे तुम्हें याद होगा। कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर, ध्यान सुनिए प्लीज, मान लो इसका टेम्परेचर है टी और ये टेम्परेचर है T0, T0 इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, क्या ये बॉडी हर टेम्परेचर पे रिलीज और एब्जॉर्ब करती रहती है? जो लगा तुम्हें आया? तो कोई भी बॉडी अगर हीट है ज्यादा उसका टेम्परेचर है तो कितनी रफ्तार से रेडिएट करती है? सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, दिस इज स्टीफन्स लॉ, वेयर सिग्मा इज द स्टीफन्स कांस्टेंट 5.67 टेन टू द पावर माइनस 8। अरे यार हां ना बोल। ई इज द एमिसिविटी, ई इज द एक्सपोज्ड एरिया, ए इज द टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? आया कि नहीं आया? ये अपनी पावर थी जिस पावर से बेसिकली हीट रेडिएट होती है, जिस पावर से हीट सराउंडिंग में, स्टीफन्स लॉ जिसे अपन पढ़ते हैं कन्वेक्शन में, कन्वेक्शन में कि रेडिएशन में? रेडिएशन में। कहां पे? रेडिएशन।
ये फॉर्मूला पढ़ा गया है, सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, सिग्मा इज द स्टीफंस कांस्टेंट, ई इज द एमिसिविटी, ब्लैक बॉडी के लिए ई 1, शाबाश, ब्लैक बॉडी के लिए ई 1, क्योंकि याद आ रहा है तुम्हारे यार, हां बोल, ई इज द एक्सपोज्ड एरिया, कोई शक वाली बात नहीं है। और अगर तुम्हें पता हो तो ये आपको बताया गया होगा कि अगर टी नहीं, अगर टी और टी नॉट अप्रोक्सीमेटली बराबर है, मतलब कोई टी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर टी बेसिकली ध्यान से देखो तो टी माइनस टी नॉट इज डेल्टा टी, टी माइनस टी नॉट इज टी माइनस टी नॉट इज, चलो मैं थोड़ा समझा देता हूं, अगर आप ध्यान दो टी माइनस टी नॉट इक्वल टू डेल्टा टी, तो टी कितना है, डेल्टा टी प्लस टी नॉट, डेल्टा टी प्लस, तो ध्यान सुनना, सिग्मा ई ए टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, डेल्टा टी बहुत बड़ी क्वांटिटी मतलब ऐसा, अच्छा चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बताया, पहले तो तुम्हें फॉर्मूला सबको याद है, मैं चीज का रिवीजन करा दूं, ध्यान देखो, हालांकि हीट का पार्ट है, फिर मैं कह रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें ज्यादा क्या है, हीट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा नहीं है, इसमें हीट ही ज्यादा है, सीख लेते हैं नई चीजें, कोई बात नहीं, सिग्मा ई ए टी नॉट प्लस डेल्टा टी की पावर 4, तो सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर 4 कॉमन आ गया, ध्यान से देखो यहाँ क्या बचा, 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट की पावर 4 माइनस 1, अगर डेल्टा टी टी नॉट से काफी छोटा है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। अब मन में ये बात आती है कितना छोटा, सर 5 डिग्री छोटा है कि बड़ा है डिफरेंस, 25 डिग्री छोटा, अब मेरे को बोल रहे समझो उसको, असलियत में जो हम नॉर्मल प्रोसीजर को आपको समझाता हूं, इसलिए किताबी लैंग्वेज से बात समझ नहीं आई, मान लो कि ये कमरा है, मान लो क्या है, अभी टेम्परेचर 25 डिग्री है, कितना है 27 मान लो, क्या 300 केल्विन, इस फॉर्मूले में टी किसमें रखा जाता है, केल्विन, किसमें, सिग्मा ये टी की पावर 4 में टी इज इन केल्विन, टी इज इन, अब सोच मैं यहाँ पे एक बॉडी रखूं जो रूम टेम्परेचर से, मान लीजिए ये रूम टेम्परेचर 27 डिग्री है, कितना है, और उसका टेम्परेचर 50 डिग्री, कितना है, तो 23 डिग्री ज्यादा है, तो लगा सकते हैं, क्यों समझाता हूं उसका कारण, 1 प्लस डेल्टा टी, मान लो मैंने बॉडी रखी इस कमरे में 50 डिग्री पे और इसका टेम्परेचर कितना है 23, 27, तो डिफरेंस 23 आया ना, 23 बटे 300, अगर 10% से कम होता है तो बाइनोमियल लगा सकते हैं, तुम्हें गणित नहीं आती, अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन में एक्स की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में 10% से कम है तो एक्सपेंशन, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया, तो अगर इसका टेम्परेचर, सोच तू कैसे लगा दिया, क्योंकि वो उधर केल्विन में चल रहा है, रूम टेम्परेचर 27, बॉडी टेम्परेचर 50, तुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं ये लगा सकता हूं, पर तू वास्तविकता में, क्या मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो वो डिपेंडिंग ऑन डेटा है, डिपेंडिंग ऑन, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक, कि मैं अपनी बात नहीं समझा पाया, अरे समझा पाया क्या, अरे हाँ ना बोल, सोच लो, हम तो ऐसे लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आप नहीं लगा सकते, उसको लगा सकते हो 110%, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है या रूम टेम्परेचर 50 डिग्री है, बॉडी 70 डिग्री पे है, रूम टेम्परेचर 50 डिग्री है बॉडी 70 डिग्री पे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, रूम टेम्परेचर 50 डिग्री है बॉडी 300 डिग्री पे, तब ये लगा, जब किताबों में लिखा होता है कि डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टी, तो बच्चा समझ नहीं पाता कितना स्मॉल, वो कंपैरिजन है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि मैं बाइनोमियली कब लगा, तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, तो बेसिकली तब आप उसको ऐसे लिख लेते हो, तो सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर 4 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाई टी नॉट माइनस 1, ये तब लिख पाएंगे मैं डेल्टा टी इज लेस लेस देन टी नॉट, पर ये लेस लेस देन का मतलब 2-4 डिग्री नहीं है, 20-25-30 डिग्री तक भी, ये डेटा बताएगा, कौन बताएगा, डेटा, तो वन ने वन को मार दिया, ये टी नॉट को मार दिया, तो फॉर्मूला आता है 4 सिग्मा ई ए
टी नॉट क्यूब डेल्टा टी, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ये पावर, इसे बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जब अप्रोक्सीमेशन लेके लिया जाता है, वरना फॉर्मूला बहुत टफ हो जाता है। तो जनरली हम जो रूम टेम्परेचर पे खेल खेलते हैं उनमें ऐसा लिखा होता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल, तब हम ये लगाते हैं, तब हम यार मैं मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। सो वी कैन अप्लाई दिस, दिस इज हीट, मैं हीट पढ़ा रहा हूँ आपको थोड़ी सी, वैसे आपको ऐसा पढ़ाया जा चुका है, बट फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि अच्छा ऐसा करते थे। फोर क्या है? कॉन्स्टेंट है, सिग्मा स्टीफन्स कॉन्स्टेंट है, ई एम एस सी टी, चलिए ई ब्लैक बॉडी ले लेते हैं तो वन ही आ जाता है, ए इज द एक्सपोज्ड एरिया, ए इज द टी नॉट क्यूब सराउंडिंग टेम्परेचर, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया। तो ये बेसिक सी बात है जो हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जो हम करंट सिटी में पढ़ते हैं, जो हमारे फिलामेंट होते हैं, आपने हीटर देखा है? जो अब तो क्या लगता है कि ब्लोअर्स ब्लोअर्स और बहुत तरह के आने लगे हैं। नॉर्मल जो हीटर पहले हुआ करते थे उनमें फिलामेंट होता था, आपने देखा लाल चमकता था जो, वो बेसिकली एक रेजिस्टेंस है, आप ऐसे समझो। क्या ये जिसमें बैटरी लगाते तो गर्म हो जाता, गर्म हो जाता तो हीट इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन, उस रेडिएशन की वजह से हमारे कमरे में गर्मी आती है और हमारा कमरा, अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। दैट इज वॉट हैपन्स, दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर, दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर जो एक हीटर में नॉर्मली करा जाता है। और हमारा कमरा हीटअप होता है, हमारा कमरा हीटअप होता है बेसिकली उस रेडिएशन की वजह से, उस फिर मैं कह रहा हूं इसमें करंट सिटी कुछ भी ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं हो, बस पावर वी स्क्वायर बाय आर टाइप आएगा वो तो। अब हमारे घरों में जो बेसिकली हीटर लग रही हैं, हमारे घरों में जो हीटर, मान लो कि वो ऐसे कोई चीज है, ऐसे कोई रॉड है, ठीक है, जिसको आपने बैटरी से जोड़ लिया, हमारे घरों की सप्लाई बी तो फिक्स है, हमारे घरों की सप्लाई बी तो सोच, हीटर रखा होगा तो बटन चालू करा, अब पहले क्या होगा? क्या ये चालू होते ही गर्मी फेंकने लगेगा? क्या पहले खुद गर्म होगा? ये पहले रियलिटी का प्रोसीजर को समझो, ये पहले खुद गर्म होता है, कौन पहले खुद गर्म होता है? ये फिलामेंट, अरे होता ही नहीं होता, ये पहले खुद गर्म होता है और जैसे जैसे गर्म होता है वैसे वैसे ये हीट रेडिएट करने लग जाता है। एक कुछ समय बाद इसका ऐसा हो जाता है कि ये जितनी हीट फेंक रहा होता है उतनी फेंकता रहता है, उसे बोलते हैं स्टडी स्टेट। क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कि हम इसकी लेंथ एल मान लें, रेजिस्टिविटी वगैरह रो मान लें, क्या मान लें? रो। ये रेडियस रेडियस आर मान लें, ये छोटा है रेडियस, तो इससे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आया कौन सा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना आया? पाई आर स्क्वायर, अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ये एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग टेम्परेचर आप टी नॉट मान लो, जो आपको मानना है मान लो, एक नॉर्मल सी बात करते हैं। तो जब ये हीटर बंद था तो क्या इसका टेम्परेचर टी नॉट ही था? एक तुम अच्छी बात समझ पाओगे, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, मैं इसे समझा रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, मैं इसे समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम है, क्योंकि आज मैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चालू नहीं करूंगा, टाइम है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं बंद कर चुका होता इसको। अरे हाँ ना बोले यार, इसे अच्छी हीट वाली बात अच्छी समझाते हैं, अच्छी चीज समझो, बढ़िया शानदार शानदार सवाल आ चुके हैं इनको ओलंपियाड वगैरह में भी, अच्छे एग्जामिनेशन में भी, तो सुनते हैं, अच्छा लगेगा अपने सुन के। तो ये हीट होने लगा, क्या होने लगा? तो शुरुआती समय में, शुरुआती शुरुआती अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मान लो किसी टाइम T पर इसका टेम्परेचर हो गया T, और T से लेकर T प्लस डी टी टाइम में इसका टेम्परेचर चला गया T से T प्लस डी टी, तुम्हें समझ ही नहीं आया, हीट होना चालू हुआ, कुछ देर बाद टेम्परेचर हो गया T, क्या T इज ग्रेटर देन T नॉट? T इज ग्रेटर देन T नॉट, तो क्या ये सिचुएशन आ गई? बुलाई कि नहीं आई? मान लिया गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल है और ये है और वो है, बहुत सारी बातें, सोच इसके डीटी टाइम में किसमें, अगर सोच इसकी रेजिस्टिविटी रो गिवन है तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, रो एल बाई, मुझे लगा है तुम्हें आया, रो एल बाई, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब। अब ये रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, टी टी प्लस डी टी, टी प्लस डी टी, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब देख इस बैटरी ने पावर कितनी दी? वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, पावर इसने कितनी दी? इसने पावर दी, इसको पावर दी वी स्क्वायर बाई आर, आर कितना?
अभी तो आर लिख देते, बाद में लिख देंगे. आर बड़ा आर इज द रेजिस्टेंस, बड़ा आर इज द रेजिस्टेंस. डीटी टाइम में मुझे कितनी एनर्जी मिली? मुझे बैटरी ने कितनी एनर्जी दी डीटी टाइम में? वी स्क्वायर बाई आर डीटी में गई कहां? इसने इसको गर्म करा या इसने एटमॉस्फेयर में एनर्जी छोड़ी? इसलिए दोनों काम करें, कंफ्यूज मत हो. जब आपका फिलामेंट गर्म होना चालू हो जाता है तो वो एनर्जी छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? पर वो दोनों काम कर रहा होता, खुद भी गर्म हो रहा, खुद भी कंफ्यूज मत हो ना, खुद भी वो खुद भी गर्म हो रहा है और एनर्जी भी क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है. तो डी टाइम में एनर्जी छोड़ेगा इस लॉ से? अरे नहीं आया, और साला खुद भी गर्म हो रहा है टी प्लस डी टी. तो जो एनर्जी बैटरी से मिली उसके दो हिस्से हुए. एक हिस्सा गया उसके खुद के टेम्परेचर को राइज करने में, उसके और दूसरा हिस्सा गया, दूसरा हिस्सा उसकी सराउंडिंग में रेडिएट करने की. मान लो कि इसका मास वास m है या डेंसिटी, मैंने ये रेसिविटी मानी थी, डेंसिटी भी आप रोडेश मान सकते हो. मान लो कि इसका मास m है, इसकी स्पेसिफिक हीट s है. अरे यार हाँ ना, तो इसका टेम्परेचर dT से बढ़ाने के लिए क्या हीट चाहिए? mhdT. कितनी चाहिए? कितनी चाहिए? मैं गलत तो नहीं बोला यार? मास को भी अगर आपको डेंसिटी दी होती रो डैश, तो क्या मास को लिखना पड़ता रो डैश इनटू वॉल्यूम? तो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन बनता है भाई साहब, खतरनाक. क्या अपन लिखते हैं? एम एस डी टी, एम एस, एम एस. क्या ये एक हिस्सा है? दूसरा हिस्सा ये पावर है इनटू डीटी. क्या दिस इज द एनर्जी रेडिएटेड? दिस इज एनर्जी. तो क्या लिखेंगे? फोर सिग्मा ई ए. ए क्या लिखूं? पाई आर स्क्वायर. इसमें ए एक्सपोज्ड एरिया है, इसमें ए नहीं आया. अरे जो इसमें आता है तो वो खुला एरिया आएगा ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा. अरे ये रॉयल बाई ए वाला ए अलग है, फोर सिग्मा ई ए में ए वाला ए वो तो इसका करंट एरिया है. क्या है? टू पाई आर एल, टू पाई आर एल. मान लेते इसे ए डैश, वास्तविकता में ए डैश इज टू पाई आर एल. 2 पाई मुझे लगा ही तुम्हें आया. 2 पाई है 4 सिग्मा ई ए डैश. मेरे ए और ए डैश को इसलिए अलग लिखा ताकि समझ में आए वो ए अलग है, ये ए क्योंकि फॉर्मूले अलग है, उनकी यूटिलिटी अलग है. 4 सिग्मा ई ए डैश टी नॉट क्यू डेल्टा टी इज टी माइनस टी नॉट डी टी. तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात सुनाई आई कि नहीं आई? दिस इज द रियल एक्सप्रेशन, दिस इज द. अब ध्यान सुनना, वी स्क्वायर बाई आर, इसको पूरे को क्या मैं एक के डैश मान लू? अभी क्या मान लू? तो वी स्क्वायर बाई आर माइनस के डैश डी टी इक्वल्स टू एम एस डी टी इक्वल्स टू, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. ध्यान से देख, तो मैंने गड़बड़ करी कहीं, के डैश के साथ वो भी तो है वी स्क्वायर बाई आर के डैश टी माइनस टी नॉट डी टी. बोलो सही है क्या? तो डी टी इक्वल्स टू एम एस डी टी बाई वी स्क्वायर, ये आर ऊपर चला जाएगा एम एस आर माइनस के डैश आर टी माइनस टी नॉट. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? मैंने तुम्हारे प्राण रखे रू? अरे हाँ हाँ बोल. कोई कष्ट? अब किसी भी टाइम
क्या टेम्परेचर होगा वो इससे निकल के आएगा। जीरो पर टेम्परेचर टी नॉट था, किसी भी टाइम टी पे टी है। ध्यान से देख तो ये एलएन में फंक्शन आएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन ई में जाएगा जो बहुत बड़ा होगा, पर वो रियल आंसर है इस सवाल का। तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ आ, तू ध्यान पहले अच्छे समझ इसको, 30 सेकंड जरा समझ फिर आगे बढ़ता हूं। हाँ कोई बात नहीं, और देख लो आया क्या। सोच इसका इंटीग्रेशन एलएन में आएगा 1/t टाइप है। अरे हाँ ना बोल। फिर इधर तो ले जाओगे तो e की पावर, फिर k डैश v डैश रखोगे, बहुत भयानक सा एक्सप्रेशन बनता है, बहुत। और जो आंसर है ओलंपियाड में आया हुआ सवाल है, मैं उत्तर उसने सॉल्व नहीं करा, कोई बात नहीं, ठीक है छोड़ो। आसान सवाल तुम्हारे लिए क्या सकता है मैं बताता हूँ, तुम्हारे लिए सवाल स्टडी स्टेट पे आ सकता है। स्टडी स्टेट कब अचीव होगी, तुम ध्यान देखो ना, तो वो स्टडी स्टेट अनंत टाइम पे आती है। कब आती है? पर वो अचीव जब हो जाएगी तो क्या होगा, वो अचीव जब हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना अगर बंद हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी पावर सिर्फ ये करेगी। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई, तू खुद सोच, जब तेरा हीटर गर्म होता है, जब तेरा हीटर तो कुछ देर तक गर्म होता है, उसके बाद एक ही तरीके का लाल रहता है, इसका मतलब वो स्टडी स्टेट अचीव। तो मोस्टली जो तुम्हारे लिए सवाल पूछे जाते हैं ना, अच्छा ये लिखा नहीं था क्या तुमने? हाँ सुन, एक रुक जा, तो जो स्टडी स्टेट आ जाएगी, क्या जाएगी? स्टडी स्टेट। जब स्टडी स्टेट आ जाएगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ना, स्टडी स्टेट इंप्लाइज टेम्परेचर इक्वल्स टू, इसका मतलब वी स्क्वायर बाई आर डी टी इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू के डैश टी माइनस टी नॉट डी टी। क्या डी टी ने डी टी को तो दे टी निकल आया, क्या निकल आया ये तो उससे पूछा जा सकता है। ये आसान है, देख v स्क्वायर बाई आर के डैश प्लस टी नॉट इक्वल्स टू टी। क्या दिस इज द टी विच वी विल अचीव एट स्टडी स्टेट, विच वी विल अचीव एट स्टडी स्टेट। कहानी तो बहुत लंबी है, बट पूछ ले तो भी मुझे तो फील आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, गारंटीड। अरे सोच ले, क्या कह रहा, अच्छा पढ़ा है? नहीं ऐसी बात तो तुम्हारे मुझे सुन के दुख होता है। जो फ्यूज वायर होता है, एक बार एक ओलंपियाड में सवाल आया, तुमने बोला कि जो फ्यूज वायर होता है अस्तित्व में, हमारे घरों में ना आपने देखा तो एक फ्यूज वायर लाके रख लेते थे पहले से, अगर कोई जल जाए कोई भी फ्यूज वायर तो फिर उसे वापस फ्यूज वायर ही काम आता था बेसिकली, कि अगर एमसीबी करती कि अगर ज्यादा करंट बह जाए तो ट्रिप फ्यूज वायर का था जल जाता था, फ्यूज वायर क्या होता था मेल्ट हो जाता था, क्या हो जाता था मेल्ट हो जाता था, अगर एक लिमिट से ज्यादा उसमें करंट बह जाएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली सवाल ये पूछा गया कि जो वो मेल्टिंग प्रोसेस है क्या है, वो जो फ्यूज वायर आप बांधते थे उस फ्यूज वायर की लेंथ के इंडिपेंडेंट होता है, हमने कभी भी उस फ्यूज वायर को नाप के काट के नहीं बांधते थे, हम फ्यूज वायर लेते थे ड्र बांधा, तो वो किस करंट पे, वो किस मेल्ट होके जल जाएगा। बेसिकली होता क्या था, ज्यादा करंट बहेगा तो वो मेल्ट, एक लिमिट है उसकी, उसके बाद वो मेल्ट हो जाएगा, उसमें कोई शक वाली बात तो सवाल ये था, सोच के आना जो मैं आपको कह रहा हूं, आज नहीं करा रहा और शायद कराऊंगा भी नहीं। सवाल ये कि वो फ्यूज वायर इस बात पे डिपेंड करता है कि 2 एम्पियर पे फ्यू जलेगा कि 3 पे जलेगा, पर वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसकी कितनी लेंथ ली गई है, उसकी कितनी लेंथ ली गई है, ये नहीं इस पर डिपेंड करता। बेसिकली आई कॉन्स्टेंट है, क्या कॉन्स्टेंट है आई, तो उसमें जो हीट जनरेट हो रही है वो कितनी हो रही है I स्क्वायर R, क्या जनरेट हो रही है, मान लो कि इस फ्यूज वायर, ये फ्यूज वायर 2 एम्पियर पे जल जाता है, कितने पे 2 एम्पियर पे जल जाता है, तो अपने समझ में आना चाहिए कि जो इसका स्टडी स्टेट टेम्परेचर है वो I स्क्वायर R पावर से, I स्क्वायर R, I स्क्वायर R
पावर से, चलो मैं तुम थोड़ा सा बता दूं, आई स्क्वायर आर पावर से, जो जो पावर उसमें जनरेट हो रही है किसमें, डिफ्यूजर में पावर जनरेट हो रही है आई स्क्वायर आर, वो अस्तित्व में अगर एक स्टडी स्टेट आ गई है तो वो पावर आई स्क्वायर आर, अब यहाँ पे वी स्क्वायर बाहर नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे आई पे जलता है, वो किसमें जलता है, अगर ज्यादा करंट आ गया, ज्यादा करंट आता है इसलिए अपनी सप्लाई 220 से शायद ज्यादा हो गई, 220 से शायद हमने फिक्स कर लिया 2 एम्पीयर से ज्यादा भाई जले ही हो, वरना सारे आगे सारे इंस्ट्रूमेंट जल जाएंगे। तो आप यहाँ पे पावर लिखोगे आई स्क्वायर आर, क्या लिखोगे, अब अगर बहुत ध्यान से देखो तो आपको ये बात समझ में आएगी, क्या समझना, ये जो वायर है ऐसा वायर तो ऐसे ही होता है ना, तो आई स्क्वायर आर, आर क्या है, रोएल बाई ए, ए क्या है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, बोलो क्लियर। स्टडी स्टेट टेम्परेचर पे आप देखो ध्यान से, तो वहां पे कुछ तो लिखा हुआ है के डैश, क्या चीज के डैश को आप बहुत ध्यान देखो तो ये है 4 सिग्मा E डैश T0 Q, है ना, तो आप ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि कुछ तो ऐसा है 4 सिग्मा E A E डैश, अच्छा ए डैश क्या है, 2 पाई आर एल, जिस करंट पे जलेगा वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर और आर आर क्यूब के, इसमें L का कोई रोल नहीं है, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, ये I स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है R क्यूब के। तो जो ओलंपियाड में सवाल आया था उसमें पता है क्या आया था, उसमें सवाल ये था यानी कि उसका मेल्टिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि उस वायर का रेडियस कितना है, उस वायर का उसने बोला कि अगर मैं एक वायर लूं जिसका रेडियस कुछ है और वो 2 एम्पियर पे जल जाता है, वो तो बताओ उस वायर का रेडियस क्या लिया जाए कि वो 3 एम्पियर पे जले। तो एक बार दो लो आर आ गया, एक बार तीन लो फिर क्या डैश आ गया, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। उन्होंने दो पार्ट पूछे थे कि बताओ कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल, प्रूफ हुआ एल एल कट गया, प्रूफ हुआ रो एल वाई ए में एल में लेंथ आता है और यहां के एरिया में एल आता है एक्सपोज एरिया के, तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, ऐसी एक्स्ट्रा बताया टाइम था इसलिए तुझे मेरी बात समझ, बट ये क्लासिक चीज है, उतार उतारो मत से समझ लो। इसीलिए फ्यूज वायर जब लगाते हैं तो फ्यूज वायर कितना लंबा लिया गया इस बात से कोई लेना देना नहीं, बोलो क्लियर है, yes, पक्की बात। अब सिर्फ आपका कर्निसिटी में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाकी है, आई टेक 2 लेक्चर्स फॉर इट, कितने बढ़िया ढंग से इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाऊंगा, बाकी उसके पहले का सब हो चुका है, तो आप शीट वीट सब कर सकते हो, शीट एच सी वर्मा आप कर सकते हो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले पहले, एच सी वर्मा तो शायद मैं 40-50 तक दे चुका हूँ, हाँ तो उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है 56 तक, 56 के बाद आर सी सर्किट है जो कैपेसिटर का पार्ट है, तो उसमें तो उतना ही करना है 50 तक।